स्वागत है आप सभी का आईपीएल सीजन 16 का 15वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने शुरुआत बारीकी की तो लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने गलत फैसला साबित किया, क्योंकि लोकेश राहुल ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया। विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी ने इसे गलत करार दिया, क्योंकि विराट कोहली ने 44 गेंदों में 61 रन की शानदार बारी खेली और फैफ डुप्लेसी ने 46 गेंदों में 89 रन की नाबाद बारी खेली, जहां डुप्लेसी ने 5 छक्के और 5 चौके लगाए और ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 59 रन की शानदार बारी खेली, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बैंगलोर की टीम ने बना लिए। जहां गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में अमित मिश्रा को 1 विकेट मिली, जहां 2 ओवर 18 रन अमित मिश्रा ने दिए 1 रन और मार्क वुड 4 ओवर 1 मेड इन 32 रन खर्च करके 1 विकेट मार्क वुड को भी मिली। यह 212 रन का पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से काइल मैरिस और लोकेश राहुल बारी की शुरुआत करने आए, जहां इन फॉर्म काइल मैरिस एक बार फिर से नाकाम रहे, क्योंकि लगातार 2 बारियों में काइल मैरिस ने शानदार बारी खेली थी, लेकिन इस बारी में 3 गेंदों में 0 रन बनाकर सिराज ने उन्हें चलता किया और लोकेश राहुल फिर एक बार से फ्लॉप साबित हुए। 20 गेंदों में 18 रन लोकेश राहुल ने बनाए और दीपक हुड्डा 10 गेंदों में 9, जबकि कृणाल पांड्या 2 गेंदों में 0 और मार्कस स्टोनिस ने 30 गेंदों में 65 रन, निकोलस पूरन 19 गेंदों में 62 रन की बारी। निकोलस पूरन की शानदार बारी के चलते टीम मजबूती में आ गई थी, क्योंकि पूरन ने 19 गेंदों में 62 रन, 7 छक्के और 4 चौके निकोलस पूरन ने लगाए। आयुष बटोनी 24 गेंदों में 30, जिसके चलते 20 ओवर के समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने नाम कर लिया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर 22 रन 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने ली, जहां हर्षर पटेल ने 4 ओवर 49 रन देके 2 सफलता हासिल की। भले ही इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम हार गई हो, लेकिन विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी की फॉर्म शानदार तरीके से है। बल्लेबाजी तो कमाल की, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने 59, विराट कोहली ने 61 और 89 रन की बारी फैफ डुप्लेसी ने खेली, और जवाब में निकोलस पूरन ने शानदार बारी खेली। धुआंधार बारी के चलते पूरन ने टीम को जीत दिला दी। जहां जिस तरीके से सीजन 16 का 13वां मुकाबला खेला गया था, उसी तरीके से सीजन 16 के 15वें मुकाबले में भी रोमांच रहा, क्योंकि पूरन ने 19 गेंदों में 62 रन की बारी खेल डाली, जिसके चलते टीम को आसानी के साथ 1 विकेट से जीत दिला दी। जहां इस मुकाबले में 1 विकेट से जीत गई है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।